अपना कपासी कर दीजिए। तो अज असी उन्हां शख्सियतां दे थानू रूबरू कराते हैं जेडे कि एक नहीं दो नहीं कई सालों तो इस जो मुड़ तो एक रोपड़ विच रोटरी क्लब है शायद किसी ने पहला सुनिया होगा। शायद का मतलब मैं इस करके किया भी वो जो स्टार्टिंग है जो मुढ़ तो जो स्टार्ट करना है एक बूटा जिन्हें लाना है ना जो तो बूटा बड़ा हो जाता वो फल तो सारे खाते हैं। लाने वाला कौन सी अज सू अं दिखावे साढ़े विच डॉक्टर परमार जी जे विशेष तौर पर डकाले पिंड पहुँचे है तो असी पहला जी स्टार टीम वालों और पिंड वालों इन्हों का वेलकम करते हैं भी असी इस पिंड आए। सर एक जी मेन आप जो गल करिए जो स्टार्टिंग जो रोटरी क्लब की की है तो कदों की रोटरी क्लब असी सन 1979 शुरू होया हुण तकरीबन 45 साल के करीब हो जाए सानू रोटरी शुरू किते ने। तो रोटरी का उदो उद्देश भी यह सीगा कि असी पिंड जाइए रोटरी विलेज कोर बनाई सी पिंड जाके एक संस्थावां बनाइए नाल नाल वो पिंड अपनी मेनटेनेंस आप कर तो जिस तरह इतने भी साड़ा पिंड है जो डकाला आर सी सी वगैरह का एक अच्छा प्रोग्राम बन सकता। तो रोटरी वालों असी बहुत सारिया सेवा करते आई कैंप्स सर्जिकल कैंप्स मैडिकल कैंप्स और फुटबॉल प्लेयर मैं इतने फुटबॉल खेल गया आके इस ग्राउंड दे विच फुटबॉल की प्रमोशन गेम्स की प्रमोशन यूथ कल्चर बच्चों के स्कूलों की सिक्ख्या बच्चों को कोई चीज़ा प्रदान करनिया साडे पुराने प्रधान जी इत्थे आके करते रहे मिसेज उषा भाटिया मिस अपने परमिंदर और उन्होंने सारा काम किया नाल अमरराज सैनी हुणी बड़े योगदान पाया साढ़े इतने थोड़े एडवोकेट साहब उन्होंने बहुत योगदान पा रहे। सर तुसीं ये स्टार्ट किया होना तो तुहानूं ना काफ़ी मुश्किलों का जो सामना करना पैंदा लेकिन हुण जदों बूटा बड़ा हो जाता वो पेड़ आ जिहड़े सारे खांदे आ तो हुण किन्ना कु फायदा लोग इसका जिहड़ा कई बार की होंदा ना संस्थावां बहुत वड्डियां होंदियां तो उन्हां दा जिहड़ा फायदा लोग बहुत घट लैंदे आ। तुसीं जिवें किसे डकाले पिंड दे विच पहुँचे आ तो अडोप्ट भी तुसीं कीता है तो जिवें कि होर जिहड़े रोपड़ दे जिले दे विच तुसीं किन्ने कु पिंडां नूं जिहड़ा तुसीं सैंड कीता असी पिंडां दे विच पहला तो मैडिकल कैंप्स वगैरह लगाते सीगे जिस तरह तख्तगढ़ हैगा नूरपुर बेदी हैगा और अपने शिव मंदिर सरथली हैगा उत्थे असी कैंप लगाते रहे रोपड़ अपने कैंप लगाते रहे ते उदो मेन काम साडा मैडिकल साइड ते सेवा दा सीगा। ते हुण असी थ्रू कम्युनिटी सर्विस होर सारे दी छोटे बच्चों दी मैरिजेज जिन्हां दे पेरेंट्स है नहीं उन्हां दी मैरिजेज बच्चों नूं अडोप्ट करना स्कूल दे विच साढ़े इत्थे जिहड़ा स्कूल हैगा एक मैंटली चैलेंज बच्चों का स्कूल हैगा अंबूजा मनो विकास केंद्र उहदे विच मदद करनी उत्थे फिजियोथैरेपी सेंटर खोलना कुछ बच्चे ऐसे सी लोग ऐसे सी जिन्हां दे पास घर नहीं सी उन्हां नूं घर बना के दिते बी हाउसिस उन्हां नूं बना के दिते असी माजरी पिंड और इस तरह असी काफ़ी आउटरीच प्रोग्राम्स रखे आ पिंडां दे विच। शहर दे विच असी स्वच्छता अभियान जो मोदी साहब ने शुरू किया सी वो असी वे बैक 2007-08 च असी सारे रोपड़ शहर दे विच घर घर जाके महल्ले महल्ले जाके सफाई दी जो सानू प्रॉब्लम्स आनियां गंदगी दियां उन्हां नूं सॉर्ट आउट कर ले बीमारियां फैलाउण तो रोकण लई बड़ा असी कोशिश कीती अजे तीन लोगों नूं पार्टिसिपेशन अजे हो रही है काफ़ी हो रही है पर शुरुआत असी कीती। शुरुआत करनी ही बहुत औखी होंदी है जो शुरुआत हो जाती है तो फिर अगे तो अगे कड़ियाँ टुकड़ियाँ जुड़ी जाती है। तो हुण अज असी मैडम पहला तुहानूं असी की सोचा तुसीं जिहड़ा एक प्रधान हुंदा जी हर एक प्रधान की अपनी अपनी सोच हुंदी है तुहाडी सोच नूं लेके किवें किवें जिहड़ा तुसीं प्लान कर बेसिकली ऐसा कोशिश करांगे एक तो बच्चों की एजुकेशन पर फोकस करांगे वो मेरा प्राइमरी मोटिव रहेगा क्योंकि मैं आप डॉक्टर हैगी है तो मेडिकल तो मैंने लगता असं बाय डिफॉल्ट ही कर लाँगे क्योंकि जिहड़ा प्रोफेशन थोड़ा अपना होंदा उहनूं सौखा होंदा थोड़ा मैनेज करना चाहे असी विलेज लैवल पर करिए चाहे असी फ्री कैंप लाइए या असी कोई रेगूलर ओपीडी भी कोशिश कर सकते हैं शुरू करन दी। तो जिहड़े बच्चे स्कूलों ने जिन्होंने कोई एड नहीं है जिदा बच्चे टीचर्स के लोग बच्चे जिन्होंने पेरेंट्स पढ़े नहीं हुए एक मेरा उन्होंने मन है कि जो पॉसीबल हो आप किसी तरीके उन्होंने फ्री जिम्मे शाम में पढ़ा के उन्होंने होमवर्क कराना या ताकि उन्होंने जो पेरेंट्स जिन्होंने नहीं पढ़े हुए उन्होंने
घर से बैकग्राउंड नहीं होंगे वो चीज़ एक मुश्किल होंगी है। उस तो अलावा प्लांटेशन तो अजकल नीड ऑफ दी आ रही है, गर्मी भी बढ़ रही है, सब कोशिश होगा कि जितने जितने प्लांट लगा सके तो जितने चलान भी सू कोई आश्वासन दे तो डकाले भी अभी तक ऐसे सू है कि इन्होंने चला देने क्योंकि प्लांट्स लगते बहुत नहीं पर साल बाद होंगे बहुत घट हैं तो कोशिश ऐसी होगी कि उतो से चीज़ा लाइया जा जिते उन्होंने मेनटेनेंस से सामभ संभाल हो। सरपंच साहब भी मौजूद है, सरपंच साहब जिमें कह दो बहुत बड़ी गल है एक जिले के जोड़े प्रधान जी आन जी देखो सारा पिंड कहते भी हार लेके खड़े होंगे तुम बहुत वधिया वेलकम किया जिमें कि मैडम ने कहा भी जोड़े चीज़ लगा देंगे जी उन्होंने देखभाल घट की जाती है तुम इसमें लेके असं जी कह रहे बहुत वधिया उपराला कर रहे हैं मतलब साढ़े पिंड वास्ते जो भी प्लांट लगाना तो मतलब अजकल की बेसिकल नीड बन गई भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है बहुत ज़्यादा सबन पता गर्मी बढ़ रही है उसके वास्ते प्लांट लगाने बहुत ज़्यादा जरूरी है इस करके प्लांट असी प्लांट लगाने वाल ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं मतलब ग्राउंड जो ऐसे बेकार प्लांट है वो साफ करके अपना वधिया प्लांट लगा रहे हैं जिन्हें सानू अच्छी हवा मिले साड़ी जी स्वास्थ्य है सारा ठीक हो गए। डकाले का ग्राउंड बहुत ही वधिया शांतमई दे किसी ने योगा वगैरह करना हो खेड वास्ते बहुत ही शांत जगह दे ग्राउंड हैगा तो साढ़े सर मौजूद है। सर तुम कि देख रहे हो रोटरी क्लब आज डकाले पहुंचे है लंच भी किया गया मैं देख रहा कि बहुत अच्छा उपराला है जी ये इतने असी प्लांट कामयाब कर रही है लोग एक्सरसाइज कर इतने यही एम है कि एक्सरसाइज कर प्लांटेशन इतने ग्रो करे पूरी बिल्कुल जी। ऑक्सी आप जो करोना काल के देखिए ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सी है ना इस करके आप जो इन देखिए हाँ जी जी ऑक्सीजन की शॉर्टेज तो होंगी है करोना जी सो वो रिकवरी करना प्लस हाँ हाँ जी हाँ जी सर तुम किमें देखते हो अब तुम सारी थोड़ी टेक्नोलॉजी पहुंची है तो बड़ी ही उत्साह भी जरा पिंड वालों भी देखा जा रहा और तुहाडे वालों भी उत्साह जरा दिखाया जा रहा तो पिंड का मैं स्पैशल थैंक्स करांगा पिंड वासियों का सरपंच साहब का श्री वरिंदर सिंह जो है एडवोकेट वो बहुत ही उद्यमी है नाल ही बच्चों का बहुत मिले सानू तो इन्हों जो है कोऑपरेशन इन्हों की जी है इन्नी वेलकम वाली नेचर हैगी है उन्होंने मद्देनज़र रखते हुए साढ़े जोड़े रोटरी के है गवर्नर साहब पास्ट गवर्नर से प्रधान जी आ उन्होंने डिसीजन लिया कि इस पिंड जोड़ा अपनाया जाए तो इतने उस लड़ी के जोड़ा है इन्होंने प्लांट्स तो शुरू किया अ प्लांटेशन तो वो अगे भी जो नैक्सट भी जोड़े है स्टेजिज जिदा इदा हो गए वो सारे अनाउंस करे प्रधान जी के डायरेक्टर साहब मैं सारे का ही बहुत धन्यवाद दी थैंक यू। तो सरपंच साहब वालों भी बड़ी खुशी का इजहार किया गया और छोटे छोटे बच्चे साढ़े मौजूद है डॉक्टर साहब ने स्पैशल उन्होंने नाल जिहड़ियां फोटो भी करवाइया तो वीडियो भी बनवाई है बहुत हाँ फुटबॉल एक फुटबॉल भी जरा अज डॉक्टर साहब ने जो कहा भी सर तुम्हें किमें लगता थोड़ी एज और बच्चे की एज फुटबॉल खेलिए अपने कॉटन भी खुद कहें खेदो वो खेलते होंगे तो स्कूल के शुरू होने तो घंटा पहला चले जाते थे स्कूल तो खत्म होने तो घंटा बाद वापस आते थे घर तो उदो खूब डॉग भिज भज होंगी सी एंड वी एंजॉय द स्कूल बहुत अच्छा लग्या इन्होंने बच्चों को मिल के अज तुम इन्हों पूरा प्रोफेसनली ट्रेन कर रहे हैं इन्हों पूरी सिक्ख्या दे रहे हैं सानू तो पता ही नहीं होंदा सी कि स्ट्रैटेजी बनानी है किस तरह करना गोल पर यह बच्चे हुण पूरा सीख रहे हैं। मैं थानू और डकाला क्लब नू सारिआं नू बहुत बहुत बधाई देनी चाहना कि बच्चों की अच्छी पनीरी साडे हिंदुस्तान दा भविख नू अगे लैके जा बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन अमनदीप सिंह जी स्टार्टिंग दे कृपा सिंह हो जी सर सर तुहाडा की अज तुसीं डकाले विच पहुंचे है तां किवें दा मैं इस पिंड नाल पिछले 5-6 सालों जुड़िया होया क्योंकि वरिंदर भी एडवोकेट है मेरा कुलीग है शर्मा जी जो सरपंच है उन्होंने हसबेंड जोड़े वो भी कुलीग है असी इस पिंड दे विच मैं आंदा रहा कोविड टाइम च भी आया तो उत्थे भी बच्चों खेलते देखिया पिंड वाले बहुत सोहनी सैर कर रहे थे जिते उस वेले फैसिलिटी नहीं सी मिल रही कोविड लॉकडाउन के पीरियड के उरे बहुत चंगा इन्होंने इंतजाम कर सब देख के मेरा प्यार थोड़ा जि पिंड जुड़ गया तो मैं इन्होंने कहा कि आप पिंड अडोप्ट करिए तो प्रधान जी ने उस वेले प्रधान जी ने हुंदे प्रधान जी ने उसको पहले प्रधान जी ने यह पिंड अडोप्ट कर तो उसे कंटीन्यूअस कोई ना कोई प्रोजेक्ट करते आ रहे हैं।
ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਚਮਕਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਡਕਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਟਾਰ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਰੇ ਹੋਣਗੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਰ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਮੈਰਾਥਨ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ 20 ਵਾਰ ਮੈਰਾਥਨ ਇਸ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਸ ਡਕਾਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਲੰਘ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰੂੰਗਾ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਓਕੇ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 20 ਵਾਰ ਮੈਰਾਥਨ ਜਿੱਤਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਦੇ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਤਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਡਕਾਲੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲੋਕ